अस्सलामुअलैकुम सुप्रभात दोस्तों, कक्षा 10 से कविता मनुष्यता जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त, जिसे राष्ट्रकवि कहा गया है। मानक भाषा, आज कई कविताएं हम पढ़ते हैं जिसमें ब्रज अवधी भाषा के शब्द आते हैं, ये शुद्ध मानक हिंदी भाषा में लिखा गया पाठ है ताकि कविता ऐसी लगे कि आप पढ़ोगे आपको समझ में आए। आप जो मानक हिंदी पढ़ते हो उसी मानक हिंदी की ये रचना बनाई है, तो बहुत आसान है पढ़ने में समझने में। पर आज इस भाग में कविता ना पढ़ते हुए कविता का जो सार है, पाठ का जो परिचय है वो देखेंगे। पहले हम पाठ का परिचय देखते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। अब ठीक से दिखाई दे रहा है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं दूसरों के भी सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरवाहे में जाते हैं तो केवल अपने चर कर जाते हैं, चरना मतलब खाना, अपना खोराक को भी खाते हैं, अपने लिए खाते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है, वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। पाठ का शीर्षक क्या है? मनुष्यता। हमें मनुष्य क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे अंदर मनुष्यता की भावना की अपेक्षा की है। मनुष्यता की भावना क्या? तो कि सिर्फ अपने लिए ना जीते हुए, अपने लिए ना कमाते हुए दूसरों के बारे में भी सोचना। जैसे इस्लाम में जकात का नियम लागू है, उसी तरह हिंदू धर्म में दान का नियम लागू है। तो हर एक धर्म में जो ये मनुष्यता के कुछ नियम है जो हमें मनुष्य बनाए रखे वो शामिल है। तो यहाँ दिखाया गया है पाठ के परिचय में शीर्षक के मुताबिक मनुष्य, तो ये मनुष्य की जो मनुष्यता है वो हमें बाकी जितनी भी सृष्टि की रचना है उनसे अलग लेना है। एक जानवर है वो अगर खुराक के लिए किसी का शिकार करता है तो वो हिंसा नहीं है, पर वो शिकार करेगा वो सिर्फ अपने लिए करेगा, ना कि वो दूसरों को डोनेट करेगा, दान देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक शिकारी माँ अपने बच्चों को खुराक मुहैया करवाएगा। तो जानवर मनुष्य के सिवाय और किसी भी प्राणी पक्षी या जीव जंतु में वो नहीं है, कि वो तुलना मनुष्य से की नहीं गई है। कि क्या है हमारे अंदर कि दूसरों के सुख दुख क्या ख्याल है, कि अगर प्राणी चरवाहा अपने खाने की जगह ऐसा तबेला होता है, भैंस जाएगी हम खाएगी, वो चरवाहा वो खुला मैदान है, चर मतलब उसका खुराक, वो सिर्फ अपने लिए खाती है, वो संग्रह नहीं करती, ना घर में किसी के लिए और के लिए लाती है, ना दूसरों को देती है। और मनुष्य जो कमाता है, जो उसके पास साधन सुविधा है, वो अपने तक न रख कर सीमित रखकर वो दूसरों के साथ भी वो बांटता है, दूसरों की सहायता करता है और दूसरों की सहायता करता भी है। इसी पर ये कविता मनुष्यता आधारित है। अब कविता को संक्षिप्त में उसका व्यवहार देखेंगे, बाद में मैं आपको दो दो पंक्तियां सुनाऊंगा और उसका विस्तार से व्यवहार करूंगा। पाठ परिचय नीचे भी इतना है, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, वही बात है जो मैंने ऊपर समझाई है कि कवि अपने सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्य में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, बसा रहता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वो गुण जो इस पाठ में हम आगे देखेंगे? आगे जो पैराग्राफ लिखा है वही बात पूरी विस्तार से कही है लेखक ने, कि मनुष्य हर किसी व्यक्ति को मनुष्य नहीं मानता जो अपने बारे में कमा सोचता है, अपने लिए कमाता है, अपने लिए जीता है और अपनी ही साधन सुविधा बढ़ाता है, उसे वो मनुष्य नहीं मानता। लेखक ये कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, मैं उसे मनुष्य मानता हूँ जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है, खुद से कमाए हुए पैसों में दूसरे का हिस्सा भी समझता है और जरूरतमंद को देता है।
अपने द्वारा प्राप्त किए गए साधन संपदा को वो दूसरों के लिए बांटता है, वो दूसरे के सुख दुख को जानने वाला, समझने वाला, उसकी मदद करने वाला ही लेखक की नजर में सही मनुष्य है। और एक और बात कही है, जैसे गांधी जी, अब्दुल कलाम, तो इन सदी के सबसे बड़े महानायक है और मेरे रोल मॉडल है। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट हम देख चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग धनपति देख चुके हैं, कोई किसी को इतना नहीं याद करता। आज भी हमने दो नाम लिए, गांधी जी और डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी आज भी जिंदा है हमारी बातों में, हमारे एहसासों में, उनके सुविचारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने लिए ना जीते हुए, एक व्यक्ति है जिसने बैरिस्टर होते हुए भी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। दूसरा एक है अब्दुल कलाम जी, जो चाहते तो बहुत साधन सफलता एकत्र कर चुके होते। मैं आगे भी शायद 9 करोड़ के बारे में बहुत सी बातें कह चुका हूँ आपसे। तो वो अपने लिए ना जीकर देश के लिए जिए, और आखिर तक वो स्टूडेंट, आप छात्रों के साथ रहे, आप छात्रों के साथ अच्छे अच्छे विचार बांटे, आपको नई नई राह दिखाई। इसीलिए आज वो इस पृथ्वी पर न होते हुए, जीवंत न होते हुए भी हमारे विचारों में सदियों तक जीवंत रहे, मतलब वो अमर हो गए। पर कब अमर हो गए? कि वो मनुष्यता को प्राप्त कर चुके, वो अपने लिए न जीते, दूसरों के लिए जिए। अब आगे पाठ का संक्षिप्त में हम सारांश देखेंगे, भावार्थ देखेंगे कि पाठ क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपको पाठ की कविता पढ़ेंगे और आगे जो पंक्ति दर पंक्ति समझेंगे तो आपको आसानी होगी। आगे देखते हैं, मैं सिर्फ अभी पढ़ लेता हूँ, आप सिर्फ ध्यान से सुनो, बाद में मैं उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा, और जहां जिस पंक्ति में मुझे लगेगा कि आप नहीं समझ पाओगे उसे मैं समझाऊंगा, तो आप सिर्फ सुनना। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुण गाया जाता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराण में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं, शायद पुराणों से आप परिचित ना हो, तो पुराण शरीर से तो परिचित है, उसमें भी बहुत उदाहरण है कि जिन्हें उनकी त्याग भावना के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में, कविता के चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है और जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर के संतान है, हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और छठे भाग में कवि कहना चाहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं, मतलब फरिश्ते, कि अगर इंसान दयालु रहा, परोपकारी रहा, तो उसके बाद भी, मौत के बाद भी, जीवन के बाद भी फरिश्ते उसका स्वागत करेंगे। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। सातवें भाग में कवि कहता है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु है, और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए, आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। ये भावार्थ है जितने उसके 7 भाग दिखाए गए, 8 भाग बनाए कविता में। तो इस प्रस्तावना,
इस भाव का संक्षिप्त सारांश, उससे हम क्या सीखे? उससे हम ये सीखे, आप वेद पुराणों से परिचित नहीं है तो ना सीखे। जरूरी नहीं है कि हम हर एक धार्मिक ग्रंथ से परिचित हो, किसी एक धार्मिक ग्रंथ से परिचित होंगे तब भी हम सच्चे मनुष्य बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक धार्मिक ग्रंथ हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाता है जिससे मनुष्य दूसरे का दुख समझ सके। मैंने कहा ना, इसमें जो जकात की बात की गई है इससे सम्मिलित है, कहीं भी उसमें इस्लाम या पुराने शरीर की बात नहीं की गई। हर एक धार्मिक ग्रंथ एक ही बात बताता है। तो हमने जन्म तो ले लिया मनुष्य का, पर हमारे अंदर मनुष्यता आए वो जरूरी नहीं है। आसपास आज के संजोग देखो आप, तो हम राजनीति की बात करें तो दो तरह की राजनीति, एक वो जो वाकई में राजनीति करते हैं और दूसरे वो जो उसकी चर्चा करते समय को बिगाड़ते हैं, आपस में द्वेष भाव खड़ा करते हैं, नफरत के भाव खड़ा करते हैं। मनुष्यता हमें क्या सिखाती है? हम एक ईश्वर के संतान, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी मनुष्य है वो हमारा ही भाई बहन है, उसे ही उसने उत्पन्न किया है। तो हमें भाईचारे से रहना चाहिए, दूसरे के दुख को समझना चाहिए। जो हमने प्राप्त किया है, जैसे आप तो बच्चे हो, आप शिक्षा प्राप्त करते हो, तो अगर आपको ज़्यादा समझ में आ गया हो और वो आपसे पूछने आया है, तो आप ये उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि तू उस समय क्या कर रहा था। आप एक मनुष्य हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जो आया है वो आप दूसरों को भी सिखाए। कोई पेन नहीं लाया उसे पेन देने का प्रयत्न करें। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ बड़े होकर ही बना जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें जो हमें सिखाई जाती है, जो हम हमारे माता पिता के संस्कार कहलाते हैं, जो स्कूल में शिक्षा कहलाती है, वही आपको मनुष्य दिखाता है। तो आगे के भाग में हम पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसे विस्तार से उसका विश्लेषण करेंगे ताकि आप ठीक से समझ सको। पर मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्यता जो कविता है वो क्या कहना चाहती है, आपको क्या सिखा कर जाएगी, वो आप ठीक से समझ पाओगे। कविता पढ़ने के बाद, उसे भावार्थ सुनने के बाद, उस प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद, कम से कम आपके अंदर जो कविता कहना चाहती है उसके गुणों का जन्म होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। तभी ये जो मैथिली शरण गुप्त है, उनकी जो ये कविता की रूपी मेहनत है वो साकार हो पाएगी। धन्यवाद।